नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद को घर में आइसोलेट किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी हरभजन सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। बता दें कि हरभजन सिंह ने कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की थी। हरभजन सिंह ने अपने पॉजिटिव होने की खबर देने के साथ साथ ये भी कहा है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी जल्द से जल्द अपना कोविड टेस्ट करा लें। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्के लक्षणों के साथ मेरा कोविड-19 टेस्ट किया गया है। मैंने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहा हूं। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो मेरे संपर्क में आए थे, वो जल्द से जल्द अपना कोविड टेस्ट करा लें और सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। भारत के बेहतरीन ऑफ स्पिनर में से एक हरभजन सिंह ने पिछले महीने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट की घोषणा किया था। लंबे अरसे तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे और टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच और 417 विकेट हासिल किए और एक मैच में उनका बेस्ट प्रदर्शन 217 रन देकर 15 विकेट रहा था। वहीं उन्होंने 236 वनडे मैचों में टीम इंडिया का साथ दिया है। इस दौरान कुल 269 विकेट चटकाए। वनडे में उनका बेस्ट प्रदर्शन 31 रन देकर 5 विकेट रहा था। वहीं भारत के लिए खेले गए 28 T20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 25 विकेट लिए थे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बेस्ट प्रदर्शन 12 रन देकर 4 विकेट रहा था, जिसमें अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरभजन सिंह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में आप लोग को कोरोना से बचना है तो घर में रहें, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें और सावधान रहें। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।